बच्चों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम सुनेंगे एक समझदार चूजे की कहानी। एक समय की बात है, एक सुंदर से गांव में नदी के किनारे एक झोपड़ी थी। झोपड़ी में एक मुर्गी थी। मुर्गी ने 12 अंडे दिए। 10 अंडों में से प्यारे चूजे निकले, मगर 2 अंडे ही रह गए। कुछ समय बाद मुर्गी अपने 2 अंडों को झोपड़ी में ही छोड़कर अपने चूजों के साथ खाना ढूंढने निकली। तभी उसके 1 अंडे में से टूटने की आवाज आई। उसमें से एक प्यारा चूजा निकला। बेचारा चूजा अपनी माँ को ढूंढने लगा। वह बहुत दुखी हो गया। उसने सोचा कि अब मैं अपनी माँ को ढूंढूंगा, और वह अपने परों को हिलाते हुए अपनी माँ की खोज में निकल पड़ा। अपनी झोपड़ी से बाहर निकलते ही उसे घास चरती गाय दिखती है। चूजा वे गाय को बहुत उत्सुकता से देखता है, और कुछ ही देर में वे गाय चूजे से पूछती है कि तुम किसे ढूंढ रहे हो। मासूम सा चूजा बोला, क्या तुम मेरी माँ हो? गाय को दया आई और वह बोली, मुझे देखो, मैं कितनी बड़ी हूँ। तुम्हारी माँ तो मुझसे बहुत छोटी होगी। ओह, तो मेरी माँ आपसे छोटी है, चूजा बोला और अपनी माँ की खोज पर निकल पड़ा। कुछ देर बाद चूजे को एक घास खाती हुई बकरी दिखी। वह उस बकरी के पास जाता है और कहता है, तुम गाय से कद में छोटी हो, क्या तुम मेरी माँ हो? बकरी बोली, हाँ, मैं गाय से तो छोटी हूँ, मगर देखो, मेरे 4 पाँव हैं। तुम्हारी माँ के तुम्हारी तरह 2 पाँव और पंख हैं। बेचारा चूजा फिर से बहुत उदास हुआ और खोज पर निकल पड़ा। कुछ देर चलने पर उसे काय काय की आवाज आई। वह था एक कौवा। चूजे ने बकरी की कही बात याद की और कौवे से पूछा, तुम्हारे 2 पैर और पंख हैं, क्या तुम मेरी माँ हो? कौवा बोला, हाँ, मेरे 2 पैर और पंख हैं, पर मैं तुम्हारी माँ से ज्यादा ऊपर और बेहतर उड़ सकता हूँ, और तुम्हारी माँ का कद मुझसे बड़ा है, और उनके पाँव भी मेरे पाँव से बड़े हैं, और वह काय काय नहीं करती। चूजा बहुत नाराज हुआ और कौवे को उसे देखकर दया आ गई। वह बोला, नाराज मत हो दोस्त, थोड़ा आगे जाओ, तुम्हें अपनी माँ मिल जाएंगी। कौवे की बात सुन के चूजा प्रेरित हो गया और खोज पर चल पड़ा। फिर उसे क्वैक क्वैक करती हुई बतख दिखी, जिसे देख के चूजा बहुत खुश हुआ। वह माँ माँ चिल्लाता हुआ बतख की ओर दौड़ा। बतख यह देख के हैरान रह गई। तुम इतनी हैरान क्यों हो? मैं तुम्हारा ही बच्चा हूँ, चूजा बोला। अरे नहीं बेटा, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ, बतख बोली। यह सुनते ही चूजा रोने लगा और सोचा कि अब वह अपनी माँ को कभी ढूंढ नहीं पाएगा। बतख भी उदास हो गई और बोली, तुम रो क्यों रहे हो बच्चे? चूजा उसे अपनी कहानी सुनाने लग पड़ा। फिर बतख बोली, बेटा, तुम क्वैक क्वैक नहीं करते, तुम्हारी माँ कुकुरुकू बोलती है। तभी एक कबूतर पेड़ पर बैठा यह सब सुन रहा था, और उसने चूजे की मदद करने का सोचा और चूजे के पास आया। तुम इस तालाब के किनारे जाओ, वहाँ तुम्हें शायद अपनी माँ मिल जाए, कबूतर बोला। चूजा कबूतर की बात मानते हुए निकल पड़ा, और कुछ ही देर में उसने कुकुरुकू कुकुरुकू की आवाज सुनी। वह उस आवाज का पीछा करते हुए दौड़ा। फिर उसने एक मुर्गी को देखा, जिसके 2 पैर कौवे से बड़े थे, और कुकुरुकू भी सुना। उसने तो सोच लिया कि ये उसी की माँ है, और माँ माँ पुकारता हुआ भागा। मुर्गी ने ये सब सुना और अपने चूजे को पहचान लिया। उसने चूजे को अपनी ओर आने को कहा और उसे अपनी बाहों में ले लिया,
और वह उसे प्यार से संतुष्ट करने लगी। मुर्गी बोली, तुम इस झोपड़ी के बाहर क्यों गए? मैं तो सबके लिए खाना लेने गई थी। मुर्गी जानना चाहती थी कि वह